हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जो भी स्टूडेंट्स टीजीटी और पीजीटी का पेपर दिया है बीपीएससी TI 3 में, उनका रिजल्ट अभी बचा हुआ है। 1 to 5 और 68 का रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोगों की बेचैनी को हम समझ सकते हैं। 9, 10, 11, 12 का जो रिजल्ट है उसका रोस्टर और रिजल्ट कब आएगा, TI 4 का बैच नोटिफिकेशन कब आएगा, पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, खास करके इकोनॉमिक्स की, और पेपर के बारे में बात करेंगे कि TI 4 का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है। आइए हम आप लोगों को कुछ बताते हैं। जो भी न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि रोस्टर कल यानी 25 तारीख के आसपास, तो 25 और 26 के बीच यानी कल या परसों तक आपका रोस्टर क्लियर हो जाना चाहिए, संभावना पूरी है। उसके बाद रिजल्ट 5 दिसंबर को बोल रहे हैं, 5 दिसंबर तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो मैं ये मानता हूं कि 5 से 10 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, 99%, 100% चलिए मान लेते हैं, 100% आपका 5 से 10 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। 5 तारीख से देना स्टार्ट करते हैं तो 4-5 दिन में आपका 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट सबका आ जाएगा, ठीक है। तो ये रोस्टर से रिलेटेड ये है और ये रिजल्ट से। TI 4 का नोटिफिकेशन की जब भी हम बात करेंगे तो आपके रिजल्ट के बाद, काउंसलिंग वगैरह के बाद, यानी दिसंबर एंड और जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी जनवरी ही लगा लीजिए आप इसको, जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका जो है नोटिफिकेशन विज्ञापन आएगा, एडवर्टाइजमेंट का विज्ञापन आएगा कि TI 4 का पेपर जो है कब होने वाला है, ठीक है ना, क्या विज्ञापन उसका आने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ कट ऑफ, कुछ सब्जेक्ट के कट ऑफ की। तो मैं सिर्फ UR का मोटा मोटा लिख देता हूँ, मेन मैं इकोनॉमिक्स की चर्चा करूंगा लेकिन मैं UR का लिख देता हूँ। UR देखिए ज्योग्राफी में 73 के राउंड रहेगा, हिस्ट्री में 75 के राउंड रहेगा, हिंदी में 82-83 के राउंड रहेगा, और यूआर पॉलिटिकल साइंस में आपका 70-72 के बीच में यूआर का रहेगा। बाकी जितने भी कैटेगरी वाइज हैं वो कर सकते हैं, बाकी मैं डिटेल में इस सब्जेक्ट के बारे में, कैटेगरी के बारे में जानता नहीं कितनी सीटें हैं, तो लेकिन मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि यूआर की सीटें अराउंड यही रहने वाली है। अब मैं मेन इकोनॉमिक्स की बात करूँगा। देखिए इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है और क्योंकि इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाता भी हूँ तो मुझे थोड़ा सा उसमें ज़्यादा पता है, बच्चों से ज्यादा मैं कनेक्ट रहता हूँ, ठीक है ना, आप लोग से स्टूडेंट से ज्यादा कनेक्ट है, कनेक्शन है मेरा इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में तो डिटेल बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि TI 2 में देखिए तो इकोनॉमिक्स में करीब हमारे यहाँ से 100 करीब स्टूडेंट्स यहाँ से क्वालिफाई करके गए हैं। TI 3 में भी अराउंड 50-60 तो होंगे ही क्योंकि सीटें कम है। आइए कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे इसकी, तो इसकी जब हम कट ऑफ की बात करेंगे तो देखिए मेल का जनरल UR मेल का, मेल का जो कट ऑफ जाएगा वो 74 से 78 के बीच में जाएगा, ठीक है। उसके बाद फीमेल की बात करें तो 72 से 75 के बीच में जाएगा, EWS मेल की बात करें तो 69 से 74 के बीच में जाएगा, और फीमेल की बात करें तो 68 से 71, ठीक है। BC फीमेल की बात करें तो BC मेल की बात करें तो 69 से 73, और BC फीमेल की बात करें तो 67 से 70। नेक्स्ट EBC की बात करें तो मेल का जो 66 से 69 के बीच जाएगा, फीमेल की बात करें तो 64 से 67 के बीच जाएगा। SC मेल की बात करें तो 55 से 60, और SC फीमेल की बात करें तो 57 से 57 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। ST की बात करें तो 53 से 56 मेल और 52 से 55 फीमेल कट ऑफ जा सकता है। तो ये मेरा कट ऑफ है, ठीक है ना, ये मेरा व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है इसको आप फाइनल मत मानिएगा। बाकी आयु जो है आपको ये कट ऑफ कैसा लगता है, मतलब इस कट ऑफ से आप सहमत है कि नहीं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने अपने मार्क्स कैटेगरी के साथ जरूर बता दीजिएगा ताकि तुम्हें तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस हिसाब से मैं सही हूँ कि गलत, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से कट ऑफ है, आप लोगों की डिमांड के हिसाब से मैंने कट ऑफ दिया है। टेलीग्राम में ग्रुप में लोग तो जो है वो IOC सुपर 50, IOC सुपर 50, BPSC PGT इकोनॉमिक्स का टेलीग्राम है, PGT इकोनॉमिक्स का टेलीग्राम है, आप उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी स्टूडेंट्स इस कट ऑफ से बाहर हैं तो TI 4 की तैयारी में लग जाइए, टाइम बहुत नहीं मिलेगा आप लोगों को, विज्ञापन आते ही पेपर हो जाएगा क्योंकि अगले साल में इलेक्शन में तो फटाफट काम करेगी सरकार, ठीक है। और जो भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं वो IOC सुपर 50 ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। आप अब ये बोलेंगे कि आप सर इकोनॉमी की तैयारी कहाँ से करें, तो कुछ मत कीजिए, आप IOC सुपर 50 यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में वीडियोज बने हुए हैं, वहां से वीडियोज आप देखिए, और वहां से वीडियो देखने के बाद आप हमें अगर कोर्स परचेज करना है तो IOC सुपर 50 का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें कोर्स परचेज
है, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो भी इस कट ऑफ से बाहर हैं या 10 10 नंबर बाहर हैं,